जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के धारा प्रवाह बैच में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और लगातार मुस्कुरा रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज को लेकर हम चर्चा करने ही वाले हैं कि भाई आगे शुरू किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज जो हमारा रेगुलर बैच जो चलता है, धारा प्रवाह बैच, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चर्चा करते हैं, तो उसी तरीके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो शेयर कर दो अपने दोस्तों में एक बार बढ़िया से, जोरदार तरीके से। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरु, मोंटी, रिया, सीमा, सातोरिमोन, शिवम, आ जाओ भाई सभी लोग और सेशन को अटेम्प्ट किया करो। सभी सेशन, सारे चीज़ों को देखा करो। जीवन में एक बार अपना जरूर सोचना कि पूरे दिन में जो आप काम करते हैं उसमें अपनी पढ़ाई को कितना समय देते हैं, क्या आपने जो अपना पूरा समय बिताया पूरे दिन का उसमें आपने हर एक सब्जेक्ट को कितना समय दिया, क्या आपने जो समय दिया वो पर्याप्त रहा, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल समय मिला या नहीं मिला, इस चीज पर विचार जरूर करना। आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि आप वाकई कंपटीशन के लिए कितने एलिजिबल हैं, कितने तैयार हैं, क्योंकि भाई प्रतियोगिता जो है दो चार लोगों के साथ नहीं है, प्रतियोगिता पूरे भारत देश के साथ है आपकी, और इस पूरे देश में एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हुए हैं। तो भाई शेयर कर दो जरा सेशन को बढ़िया करके। जिन लोगों ने अभी तक सेशन शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक भाई लाइक नहीं किया है लाइक कर दो जरा बढ़िया से, ठीक है, एक बार शेयर मार दो पहले बढ़िया से, फिर उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग जरा सेशन को, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। केवल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, एक अच्छी रणनीति होना जरूरी है, पूरे दिन की रणनीति होना जरूरी है कि आप हर एक विषय को, हर एक सब्जेक्ट को अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सही से उतार पाते हैं या नहीं उतार पाते हैं। तो शेयर कर दो एक बार बढ़िया से, ठीक है, सेशन शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या हमें करना है अगला और पहला प्रश्न को लेते हुए। तो भाई पहला प्रश्न आपके सामने है अभी फिलहाल, क्या है प्रश्न, कि दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, दुनिया के सबसे बड़े, मैसूर, पश्चिम बंगाल, इंडोनेशिया या कंबोडिया, जल्दी से उत्तर दें। अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न आपको काफी कुछ सिखा कर जाएगा, ठीक है। प्रश्न का होना स्वाभाविक नहीं है, प्रश्न का होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि आजकल मैं ये देखता हूँ कि ज्यादातर लोग प्रश्नों के पीछे भागते हैं कि भाई हमें प्रश्न मिल जाए बने बनाए। तो भाई कभी आपने देखा है कि जैसा प्रश्न आपको सौंपा गया, बनाकर दिया गया, वैसा ही एग्जैक्ट प्रश्न एग्जाम में आया? नहीं, प्रश्न हमेशा बनते हैं उसके एक्सप्लेनेशन से। तो हमेशा ध्यान रखना क्या आंसर होगा भाई इसका, क्या आंसर होगा, कंबोडिया आंसर आ रहा है बहुत से लोगों का, सी आंसर आ रहा है इंडोनेशिया, चलिए तो भाई इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल, इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा इसका, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका पश्चिम बंगाल, इस बात को ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वैदिक तारामंडल पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल के मायापुरी में, किसमें, मायापुरी में इसका निर्माण किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल के मायापुरी में इसका निर्माण किया जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा और अब तक का सबसे महंगा मंदिर भी होगा, ठीक है, अब तक का सबसे महंगा मंदिर भी होगा। और इसके साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वह कितनी है भाई, तो वह 113 मीटर है, ठीक है, 113 मीटर इसकी हाइट है। और इसके साथ साथ ये वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पॉल कैथेड्रल, ठीक है, सेंट फॉर कैथ थेड्रॉल, एक वहां पर चर्च है उससे, और इसके साथ साथ ताजमहल, किससे, ताजमहल से भी ये है ऊंचा है, ताजमहल से भी ये ऊंचा है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर ले पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल में भाई अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा बुक्सा टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, यह सुर्खियों में रहा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बुक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई भाई, 1983 में की गई थी, 1983 में बुक्सा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। जल्दी से शेयर कर दो भाई एक बार सेशन को बढ़िया से, ठीक है, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जल्दी से शेयर कर दो सेशन बढ़िया से, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 15वां टाइगर रिजर्व के रूप में बना, कौन सा टाइगर रिजर्व, 15वां
टाइगर रिजर्व भारत का बना था, कौन सा? बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भूटान के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि ये दार्जिलिंग वाले एरिया में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, और यह जाना जाता है किसके लिए? तो ये जाना जाता है रॉयल टाइगर के लिए, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है बुक्सा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पाए जाएंगे? मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर, बुक्सा टाइगर रिजर्व में पाए जाएंगे। और सुर्खियों में ये इसी वजह से था क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसमें लगभग 28 साल बाद स्पॉटेड किए गए हैं, यानी कि देखे गए हैं। इसके अतिरिक्त सुंदरवन भी जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, और वह एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइक शेयर करते रहो भाई सभी लोग, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रस। क्या है? पैंथरा टाइग्रस और टाइग्रस, पैंथरा टाइग्रस टाइग्रस, इसका रॉयल बंगाल टाइगर का क्या है? इस यहां पर हम लोग देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है। भारत में बाघों की संख्या कितनी है? टोटल 2967 बाघों की संख्या है। सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद कहाँ है? उसके बाद कर्नाटक में है। कर्नाटक के बाद कहाँ है? कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद कहाँ है? उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये एक वो श्रृंखला है जहां पर बाघ मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है भाई, क्लियर है? तो शेयर कर दो भाई सभी लोग, और लाइक कर दो एक बार सेशन को बढ़िया से, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित हो रहा है? दार्जिलिंग, नई दिल्ली, लखनऊ, कर्नाटक। जल्दी से उत्तर दे दे भाई, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दुनिया का भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ स्थापित हो रहा है? कहाँ स्थापित हो रहा है? और शेयर कर दो भाई एक बार बढ़िया से सेशन को, आ जाओ सभी लोग और शेयर कर दो सेशन, आंसर दो भाई इसका, आंसर दो इसका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में भी बेंगलुरु में, कहाँ पर? कर्नाटक के भी बेंगलुरु में होगा। कहाँ होगा? कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका निर्माण किया जाएगा। लार्सन एंड ट्रूबो एक कंपनी है, ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो, लार्सन एंड ट्रूबो एक कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है। लार्सन एंड ट्रूबो एक कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही है, और भारत के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी अभी भारत में कौन सी है? लार्सन एंड ट्रूबो है, क्लियर है, एकमात्र कंपनी है ऐसा इस्तेमाल करने वाली। इसके बाद अगर हम डाकघर की थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो डाकघर के विषय में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहली बार केंद्रीयकृत डाक प्रणाली का, कैसा? केंद्रीयकृत डाक प्रणाली की अगर हम बात करें तो केंद्रीयकृत डाक प्रणाली की शुरुआत 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई, ठीक है। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि भारत में पहली बार डाक व्यवस्था यहीं से शुरू हुई। पहली बार डाक व्यवस्था जो है वो कब शुरू की गई थी? पहली बार डाक व्यवस्था 1766 में शुरू की गई थी, ठीक है, 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने, किसने? लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था, लॉर्ड क्लाइव ने इसको शुरू किया था, पहली डाक व्यवस्था। फिर इसके बाद 1774 में, 1774 में वॉरेन हेंगस्टिंग ने, किसने बच्चे? वॉरेन हेंगस्टिंग ने, लिखते रहो साथ साथ में, वॉरेन हेंगस्टिंग ने, वॉरेन हेंगस्टिंग ने किसकी शुरुआत की? वॉरेन हेंगस्टिंग ने कलकत्ता में पहले डाकघर की स्थापना की। कहाँ? कलकत्ता में पहले डाकघर की स्थापना की, प्रथम डाकघर की स्थापना की। फिर उसके बाद पूरे डाक सिस्टम को एक केंद्रीयकृत व्यवस्था में शामिल करने का, एक केंद्रीयकृत, एक विभाग के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है 1854 में लॉर्ड डलहौजी को। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। पिन कोड की शुरुआत अगर कोई मुझे बता सकता है तो बताया कि जो ये पिन कोड आप लोग लिखते हैं, तो पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? पिन कोड की शुरुआत
1900 कब की गई थी कोई बता सकता है? 1972 में की गई थी पिन कोड की शुरुआत। जो आप पिन कोड अभी लिखते हैं डाक टिकट पर या फिर डाक व्यवस्था पर, तो इसको जो है कब शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था 1972 में। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि डाक व्यवस्था का ही एक भाग होती थी टेलीग्राम, टेलीग्राम व्यवस्था। अभी वो टेलीग्राम मत समझ लेना जो ऐप इस्तेमाल करते हो, जिसे कहा जाता था तार सेवा, तार सेवा। इसको अभी भारत सरकार ने बंद कर दिया है, इसको भारत सरकार ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। किस वर्ष बंद किया? 2016 में भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से इसी क्रम में। अगला प्रश्न, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 किसने जीता? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बात करते थे टेलीग्राम पर, अंजू बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 किसने जीता? खुशी सिनी शेट्टी, दीविता रॉय या हरनाज संधु? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसी तरीके से आंसर देते रहो। आंसर क्या होगा? दीविता रॉय। दीविता रॉय जो कि किस राज्य से संबंध रखती हैं? कर्नाटक राज्य से संबंध रखती हैं। किस राज्य से ये आती हैं? ये कर्नाटक राज्य से आती हैं दीविता रॉय। इन्होंने अभी मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता और ये मिस यूनिवर्स, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का कौन सा संस्करण था? ये 71वां संस्करण था, 71वें संस्करण को इन्होंने जीता है। और इनको जो अभी ताज पहनाया वो किसने पहनाया? मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स का खिताब जीता जिन्होंने, उनका नाम है हरनाज संधु। हरनाज संधु ने यह ताज उनको पहनाया क्योंकि पिछले वर्ष यानी कि 2021 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता था। ठीक है, हरनाज सिंधु ने वर्ष 2021 में मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीता था। तो हरनाज सिंधु ने अब ये ताज किसको पहनाया है? किसको पहनाया है? दीविता रॉय को पहनाया है। इसी क्रम में अगर आगे हम देखें तो तेलंगाना की प्रज्ञा, कौन भाई? तेलंगाना की, तेलंगाना राज्य से आने वाली प्रज्ञा, ठीक है, क्या नाम है? प्रज्ञा अय्यागरी, 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 ठीक है। ये मिस दीवा सुपर नेशनल का खिताब इन्हें दिया गया, मिस दीवा सुपर नेशनल का खिताब जो है इन्हें दिया गया 2022 का, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, शेयर कर दो भाई सेशन को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई। ठीक है, सेशन जितना आप लोग बढ़ाओगे उतना सपोर्टिव रहेगा, उतना ही प्रोडक्टिव भी बनता चला जाएगा। और इस बात में तो कोई शक है नहीं कि यहाँ पर जो है लक्ष्य क्लासेस के हर एक वीडियो में आपको एक क्वालिटी देखने को मिलती है जो मैं रिकॉर्डेड यहाँ से कह रहा हूँ कि कहीं और नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में स्वयं का ही सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो भाई, ये क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के लिए बहुत उपयोगी है। जब जनसंख्या की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है कि भारत आने वाले समय में चीन को पीछे छोड़ देगा। जैसे कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कि 2023 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयर कर दो भाई सभी लोग एक बार सेशन को और आंसर दो कि किस देश ने हाल ही में स्वयं का ही सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि यहाँ पर कि भाई सबसे कम प्रजनन दर, यानी कि वहां पर बच्चों का जन्म दर जो है बहुत ही कम था और उसने और ज्यादा कम कर दिया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा भाई दक्षिण कोरिया। ठीक है, सी डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया इसका आंसर होगा। अभी दक्षिण कोरिया में जो जनगणना हुई 2021 की, जो 2021 में जो जनगणना हुई उसको पब्लिश किया गया और इसमें यह देखा गया कि भाई जो प्रजनन दर है, जो प्रजनन दर है
वह अब 0.81 हो गई है। दर कितनी हो गई है? 0.81 जो है इसकी दर हो गई है घटकर, ठीक है, घटकर, जो कि पहले इससे ज्यादा हुआ करती थी। इस बात को ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं प्रजनन दर की, तो भारत की भी चर्चा कर ही लेनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, भारत की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। अभी एक रिपोर्ट जारी की गई थी भारत की, भारत परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पांचवी रिपोर्ट जारी की गई अभी हाल ही में। इसमें क्या दिखाया गया कि भाई भारत में भी जो है प्रजनन दर गिरी है, और पहले जो कि 2.2 थी वो अब कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है, ठीक है, 2.0 हो गई है। यानी कि भारत की जो प्रजनन दर है वो गिरी है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारत की औसत प्रजनन दर कितनी दिखाई गई है? 2.0, यानी कि 2 इसकी दर दिखाई गई है। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा राज्य कौन कौन से हैं जहां पर अधिक है? सबसे पहले पे आता है बिहार, ठीक है, सबसे पहले पर बिहार आता है जहां पे 2.98। फिर उसके बाद नंबर आता है दूसरा राज्य मेघालय, मेघालय में प्रजनन दर और राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है झारखंड और फिर मणिपुर, झारखंड और फिर मणिपुर। ध्यान रखना है भाई, प्रश्न आराम से क्रिएट होंगे यहां से, ठीक है, इस रिपोर्ट से तो क्वेश्चन क्रिएट होंगे ही होंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छे, इसी के साथ ही आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से, सेशन के अंत तक बने रहो। नीति आयोग द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? चित्रकूट, हरिद्वार, अयोध्या या वाराणसी? देखो भाई, नीति आयोग जो है यह सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की जो है एक सूची तैयार करता है, जो हर माह जारी करता है। कब? हर महीने जो है ये जारी करता है। तो इसमें पहला स्थान किसका रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कि पहला स्थान किसका रहा है नीति आयोग द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की सूची में, किस जिले का स्थान पहला रहा है? कोई जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर दे दो भाई कोई। हरिद्वार, बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा इसका? हरिद्वार बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो हरिद्वार जो है आधारभूत अवसंरचना थीम, ठीक है, आधारभूत अवसंरचना थीम के आधार पर यह है पहले स्थान पर रहा। इसके बाद अगर हम देखें तो पहला स्थान तो भाई इसको मिल गया, दूसरा स्थान पर रहा मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला। अगर हम तीसरे की भी बात कर ले यहीं पर, तो तीसरा जो रहा वह बरन जिला रहा, बरन जिला कहाँ का? राजस्थान का, बरन से बुलंदशहर मत समझ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आगे की अगर हम बात करें तो बरन के अतिरिक्त उत्तर बस्तर कांकेर जो कि छत्तीसगढ़ में है, उत्तर बस्तर कांकेर ये एक जिले का नाम है जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट पांचवा, जो पांचवे स्थान पर रहा, टॉप फाइव मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, प्रश्न कहीं से ही बन जाए घबराना नहीं है। पांचवा रहा बांका, बांका जिला जो कि किस राज्य में है? बिहार राज्य में है, ठीक है। तो ये पांच जो जिले हैं इनको आकांक्षी जिलों में टॉप फाइव में रखा गया है। तो नीति आयोग की ओर से हर महीने आकांक्षी जिलों को स्वास्थ्य के आधार पर, पोषण के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, जल संसाधन के आधार पर, और इसके साथ साथ वित्तीय समावेश और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। इस प्रकार का जो आकांक्षी जिलों की जो रैंकिंग है, इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने कब की थी? 2018 में की थी। 2018 में 112 ऐसे जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि भाई हर साल जो है 112 जिलों को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऐसे जिले जो कि अल्प विकसित हैं, अल्प विकसित जिले हैं, उनको क्या किया गया? उनको इन्होंने अपने मंत्रियों को का दिया, मंत्रियों को, एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दी कि भाई आपको ये जिला डेवलप करना है, आपको ये जिला डेवलप करना है, और इसी के आधार पर आकांक्षी जिलों की सूची भी तैयार
की जाने लगी कि भाई अब जो है 112 सबसे कम विकसित जिलों को जल्द से जल्द प्रभावी बनाया जाए। तो 112 जिलों पर हर साल जो है हर महीने जो है आकांक्षी जिलों की सूची तैयार की जाती है। अगर पिछली बार की बात पिछले महीने की बात करें तो गया जिला इसमें प्रथम रहा था। चलिए नीति आयोग की अगर हम बात कर लें यहीं पर थोड़ी सी, ठीक है, नीति आयोग की भी बात करते हुए चलें अगर हम यहीं पर, तो नीति आयोग का अगर हम गठन की बात करें तो भाई गठन जो है 1 जनवरी 2015 में हुई। किसके स्थान पर की इसकी स्थापना की गई? योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई, ठीक है। गठन जो है 2015 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं मेरे बच्चों, अध्यक्ष किसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है भाई? उपाध्यक्ष कौन है इसके? चेंज हुए हैं अभी, सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चर्चा करें और, तो इसमें जो अभी इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं जल्दी से इस बात को तो तुम ही बता दो कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, शेयर कर दो भाई सेशन को जरा एक बार, ठीक है, सही से शेयर कर दो। अब ऐसे नहीं चलेगा कि अब भाई बहुत कम कैंडिडेट लोग देखते हैं ना, तो ऐसा मत कराओ, शेयर करो। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, हमारी जिम्मेदारी आप तक जो है एक अच्छी नॉलेज पहुंचाने की है। और शिक्षा मैं दे रहा हूँ लगातार और आगे भी देता रहूँगा। अब मैं धीरे धीरे ये कहना भी बंद कर दूंगा कि भाई शेयर कर दो या लाइक कर दो, मेरा काम यहाँ पे आपको नॉलेज देना है, मैं नॉलेज देता हुआ चला जाऊँगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सेशन को कितना आगे बढ़ाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हैं या नहीं, ठीक है। बस अब थोड़ा सा रिदम में आदत में आ गया है कि भाई मांगना पड़ता है कि शेयर कर दो लाइक कर दो, है ना, तो वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो हो सकता है कि आगे आप मेरे मुँह से ऐसा ना सुने, अगर आप में स्वयं में ये बात रहेगी कि हाँ बस सामने वाला कोई मेहनत कर रहा है, कोई आपको अच्छी चीज़ ला कर दे रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये आपकी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ होगी। चलिए परमेश्वरम अय्यर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर जो है वो सीईओ हैं इसके, सी के कौन है? सीईओ है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत ही अच्छा और मजेदार प्रश्न है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये पिक्चर भी लगी हुई है भाई, इस पिक्चर को देख सकते हैं कि उत्तराखंड का हरिद्वार बना सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, नीति आयोग की रैंकिंग में रहा ये अव्वल, ठीक है। चलिए भाई इस बात को हमने अब समझ लिया, आगे की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया रनिल विक्रम सिंघे सिंजो आबे, ब्लामिदीर जेलेस्की या नरेंद्र मोदी? जल्दी से आंसर दें कि किस नेता को 2022 में लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है, लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया। जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है, और इसके साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी देते रहो, ठीक है, आंसर भी देते रहो और लाइक भी कर दो भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। चलिए लिबर्टी मेडल 2022 का से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर दें भाई, सी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा? ब्लामिदीर जेलेस्की, ठीक है, ब्लामिदीर जेलेस्की इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये यूक्रेन के कौन है? राष्ट्रपति हैं, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ब्लामिदीर जेलेस्की, जहां अभी रूस ने हंगामा मचाया हुआ है जिस देश में, ठीक है। 2019 से यह यूक्रेन के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। लिबर्टी मेडल कौन देता है भाई? लिबर्टी मेडल कौन देता है, कोई बता सकता है? ठीक है, क्लियर है, लिबर्टी मेडल किसके द्वारा दिया जाता है? लिबर्टी मेडल दिया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा।
कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर, ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर के द्वारा लिबर्टी मेडल दिया जाता है। और यह लिबर्टी मेडल से सम्मानित कब किया जाएगा इनको, इनको अक्टूबर में सम्मानित किया जाएगा, अक्टूबर 2022 में सम्मानित किया जाएगा। इस मेडल की शुरुआत जो की गई थी वो शुरुआत की गई थी कब, 1988 से यह मेडल जो है हर साल दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी कि कुल मिला के हम यहाँ कह सकते हैं जो लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है उसे यह लिबर्टी मेडल दिया जाता है। और यहाँ पे बिलामिदिर जेलेस्की यही काम कर रहे हैं कि वह अपने देश के लोगों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए भाई बहुत अच्छे, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में, समझ में आ गया होगा लिबर्टी मेडल क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, मोदी जी ने कहां पर भूकंप स्मारक स्मृति वन, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, देश को समर्पित किया, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, भुज में, कहां पर, आंसर दे दे भाई जल्दी से, ठीक है, जिन जिनको पता है उत्तर तो दे ही सभी लोग, ठीक है, सभी लोग उत्तर दें जरा एक बार बढ़िया से। चलो भाई बहुत अच्छे, सतीश का डी है भुज, बहुत अच्छे, अंजू का भुज, राधिका का डी है, चलिए भाई, डोरीमोन, चलिए अभी ऐसा तो हम नहीं कह सकते फिलहाल, चलिए बहुत अच्छे, डी आंसर आ रहा है सभी का, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर क्या होगा, भुज कच्छ, ठीक है। स्मृति वन, स्मृति वन जो बनाया गया यह किस लिए बनाया गया, ये बनाया गया जो 2001 में भुज में भूकंप आया था, वह काफी बड़ा तीव्र भूकंप था जिसकी वजह से 12,000 के आसपास लोगों की मौत हुई उस भूकंप में, और उस भूकंप की याद में यह स्मृति वन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। स्मृति वन भुज में है ना, भुज जगह है गुजरात में, भुज जगह है जो कि कच्छ में आता है, ठीक है, कच्छ क्षेत्र में आता है, वहां एक पहाड़ी है भुजियो पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी, भुजियो पहाड़ी, तो भुजियो पहाड़ी पर इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है। और इसमें काफी अच्छा जो है एक तकनीक लगाई गई है कि अगर आप वहां प्रवेश करते हैं तो क्या होगा, आपको भूकंप के झटके टाइप लगेंगे, थोड़ी आवाज सी आएगी तो ऐसा लगेगा कि भाई भूकंप आ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके का जो है कंसेप्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है, क्लियर है। इसके अतिरिक्त अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट पीछे के अगर हम एक बार रिवाइज कर लें, जैसे उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन गुजरात में किया गया, इसके अतिरिक्त माधवपुर मेला, माधवपुर मेला इसका आयोजन कहां किया गया, गुजरात में ही किया गया। इसके अतिरिक्त मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, ठीक है, ये कहां शुरू किया गया, तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया। इसके साथ ही वतन प्रेम योजना, वतन प्रेम योजना ये भी कहां शुरू किया गया, तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया। इसके साथ ही अभी कुछ समय पूर्व ही एनटीपीसी ने, किसने, एनटीपीसी ने, किसने भाई, एनटीपीसी ने कच्छ में, कच्छ यानी जो रण का कच्छ है वहां पर भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, की स्थापना की घोषणा की है, जो कि 95 गीगावाट क्षमता का होगा लगभग, ठीक है, 95 गीगावाट क्षमता का होगा। इसके साथ साथ कुछ समय पूर्व ही गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति, कौन सी नीति, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर
नीति 2022 27 को लॉन्च किया, ठीक है। इससे पहले सेमीकंडक्टर का आयोजन कहा गया, सेमीकंडक्टर आयोजन का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो एक कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन कहाँ किया गया था, उसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहाँ किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, क्लियर है। इसके साथ ही अगर हम बात कर लें तो रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो है एक क्या है, रेगिस्तान है, सफेद रेगिस्तान है, और यहाँ पर एक नदी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, कौन सी नदी, उसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ है, लूनी नदी का उद्गम है आपका अरावली पहाड़ी, ठीक है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां से वह निकलती है लूनी, और कहां विलुप्त हो जाती है, जाकर रन ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर एक धौलावीरा, यह भी हमें कहां देखने को मिलता है, यह भी हमें कच्छ में देखने को मिलता है, लूनी नदी के किनारे ही यह कच्छ में हमें देखने को मिलता है। चलिए भाई बहुत अच्छे, आगे की ओर बढ़ लेते हैं इसी क्रम में। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जो कि जंगली गधों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है, जंगली गधों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गुजरात की ही अगर हम बात ही कर रहे हैं तो और एक और बात कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भाई गुजरात में ही है, ठीक है, जो कि जहां पर एकमात्र प्राकृतिक आवास है एशियाई शेरों का, ठीक है, एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कहाँ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही प्रमुख रामसर स्थल भी पाया जाता है, रामसर स्थल कौन सा, नल सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, नल सरोवर पक्षी विहार, ये कहाँ है नल सरोवर पक्षी विहार, यह भी गुजरात में ही है, ध्यान रखना है। एक और जब गुजरात की बात हो रही है तो भाई एक और बात निकल के आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नगर, ठीक है, जिसका नाम लोथल है, ठीक है, क्या नाम है, लोथल है, जो कि भोगवा नदी के किनारे हुआ करता था, अहमदाबाद के पास है अभी वर्तमान में, और ये इसका मुहाना खंबात की खाड़ी में खुलता है, कहाँ, खंबात की खाड़ी में खुलता है। चलिए भाई बहुत अच्छे, अब जब एक और बात आ रही है निकल के, तो एक और बात कि भाई 23.5 डिग्री कौन सा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका नाम है कर्क रेखा, क्या नाम है, कर्क रेखा, वह गुजरात राज्य से भी होकर गुजरती है, और गुजरात राज्य भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक इस सेशन में बड़ा मजा आ रहा है, और आशा करता हूँ कि आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे, ठीक है, आप लोग भी आनंद ले रहे होंगे। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, बेसिक फैक्ट जिनको नहीं पता है ध्यान रखना। राज्यपाल कौन है अभी यहाँ पर वर्तमान में, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत यहाँ पर अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल यहाँ पर अभी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं अब भाई, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिल गया हो यहाँ तक, अगला ज्ञान पर बढ़ते हैं। तो चलिए भाई ये पिक्चर भी लगी हुई है, इस पिक्चर को देख सकते हैं आप लोग कि मोदी जी जो है किसका, स्मृति वन का उद्घाटन कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी स्मृति वन का उद्घाटन कर रहे हैं, तो तालियां बजाते रहो सभी लोग एक बार बढ़िया से, तो शेयर कर दो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, शेयर कर दो एक बार। चलिए बहुत अच्छे, जिन्होंने शेयर कर दिया और लाइक करने, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, छत्तीसगढ़, पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जल्दी से उत्तर दे दें सभी लोग, पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, केरल, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़, सी आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, सी पर क्या है भाई, केरल, बहुत अच्छे, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, केरल, केरल के त्रिशूर में जो है पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र खोला
गया, स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसके साथ ही अगर हम बात कर लें केरल की थोड़ी सी, तो केरल को अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जारी, टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 50 असाधारण स्थानों की सूची में स्थान दिया गया, 50 असाधारण स्थलों की सूची जारी की किसने, टाइम मैगजीन में, जिसमें केरल और भारत का एक और स्थान अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को भी शामिल किया गया। इसको क्यों शामिल किया गया भाई, इसलिए शामिल किया गया क्योंकि ये जो है ये वो क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, विदेशी पर्यटक यहां पर घूमने आते हैं सर्वाधिक मात्रा में इन दो जगहों पर। तो टाइम मैगजीन ने केरल और अहमदाबाद को 50 असाधारण स्थानों की सूची में शामिल किया, पूरे विश्व के 50 स्थानों को शामिल किया, जिसमें से दो भारत के, एक केरल राज्य पूरा और एक गुजरात का एक शहर अहमदाबाद को लिया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो केरल में एक परियोजना भी शुरू की गई कुछ समय पूर्व, जिसको ध्यान रखना है, सुरक्षा, क्या परियोजना शुरू की गई, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, क्या शुरू किया गया भाई, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो इतने कमेंट कर दो कि अभी वर्तमान में केरल के प्रधान सीएम कौन है, केरल के सीएम कौन है, कमेंट करो जरा बढ़िया से, बताओ जरा केरल के सीएम कौन है, अभी वर्तमान में केरल के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, बड़ा टाइम लगा रहे हो, क्या बात है जल्दी से उत्तर दो भाई, अरे भाई मेरे शूरवीरो उत्तर दे दो, केरल के सीएम कौन है ये नहीं पता है किसी को, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक इंट्रैक्शन नहीं करोगे तब तक मजा कैसे आएगा, उत्तर तो दो, है ना। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि बस बोर्ड की तरफ ही देखते चले गए धड़ाधड़, आप लोगों को कोई महत्व नहीं दिया भाई, महत्व तो देना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग हो तभी तक तो यहाँ पर खड़ा होकर किसी को पढ़ाया जा सकता है, नहीं तो किसको पढ़ाया जाएगा, है ना, महत्व तो हम देते हैं, एक एक कमेंट का उत्तर देते हैं। चलो भाई पिनरई विजयन, बहुत अच्छे, शाबाश, लगे हाथ तो राज्यपाल का नाम भी गिना दो, जल्दी से राज्यपाल का नाम भी बता दो, जल्दी से फटाक से राज्यपाल का नाम बता दो, प्रशांत मोहित सही है, बढ़िया, और राज्यपाल का भी नाम गिना दो जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से राज्यपाल का भी नाम बताओ, बिल्कुल मोहित, बहुत अच्छे, आरिफ मोहम्मद खान, प्रशांत बहुत अच्छे, वेरी गुड, आरिफ मोहम्मद खान जो हैं अभी यहाँ पर वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के ही निवासी हैं, ध्यान रखना है। चलो कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम ये कैपिटल है किसकी, केरल राज्य की। केरल राज्य अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भारत के किस तट पर आता है, केरल राज्य भारत के पश्चिमी तट पर आता है, पश्चिमी तट पर भी क्या नाम है, पश्चिमी तट के किस नाम पर आता है, मालाबार में, किस में आएगा, मालाबार कोस्ट पर आएगा, इस कोस्ट को कहा जाता है किसके, पूर्वी दक्षिणी कोस्ट को कहा जाता है कोरोमंडल, ध्यान रखना है, और इसको कहा जाता है भाई कोंकण, जो पश्चिम में उत्तर में है, और इसको कहा जाता है उत्तरी सिरकार, ठीक है, ध्यान रखना है भाई इस कंसेप्ट को अच्छे से, ठीक है। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आशा करता हूं कि बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिल रहा होगा, और इसी आशा के साथ अगले प्रश्न पर भाई, 5 सितंबर को राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, 75, 45, 46, 175, बहुत अच्छे, करंट अफेयर्स चल रहा है एक तरीके से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो बढ़िया,
आंसर देते रहो सभी लोग। बाकी और सब लोग कहाँ हैं? सब विद्वान हो गए हैं। चलो आंसर क्या होगा इसका? सी इसका बिल्कुल सही होगा, 46, 46 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है भाई? कोई कमेंट करके बताओ कि भाई 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कोई बताएगा? बताओ भाई जल्दी से, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस, टीचर्स डे। बहुत अच्छे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जय हो, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। और यह एक शिक्षक भी थे, जिसके कारण इनके सम्मान के अवसर, सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस पर हर साल जो है देश के अच्छे बड़े, यानी कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाता है। और इस बार 46 शिक्षकों की सूची बनाई गई है, जिसमें से 2 शिक्षक जो है दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, यानी कि दिव्यांग हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो 5 सितंबर को यह पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में इन 46 लोगों को प्रदान किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं और पहली आदिवासी राष्ट्रपति और आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी पहली कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इसके अतिरिक्त सबसे कम आयु की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली राष्ट्रपति भी कौन है? द्रौपदी मुर्मू ही है। चलिए भाई, बहुत अच्छे। किस राज्य से आती हैं ये? तो यह भाई ओडिशा से आती हैं। कहाँ से आती हैं? ओडिशा से आती हैं। ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं, जरा कमेंट करके बताओ। द्रौपदी मुर्मू जी किस जाति से संबंध रखती हैं, किस जनजाति से संबंध रखती हैं, ठीक है, जल्दी से बताओ, किस जनजाति से संबंध रखती हैं? बिल्कुल ओडिशा से आती हैं। कौन सी जनजाति? संथाली। बहुत अच्छे, ठीक है, संथाली जनजाति से यह संबंध रखती हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बढ़िया और अच्छा कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगले प्रश्न पर, लुसाने डायमंड लीग 2022 किसने जीती? ठीक है, लुसाने डायमंड लीग 2022 किसने जीता? अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया, नीरज चोपड़ा या पीवी सिंधु? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जानने को हमें मिल ही जाएगा। एकता, नीरज चोपड़ा। चलो भाई, और कोई? साक्षी सी, शिवम का ए, प्रशांत का डी, शाबाश, रुचिता का सी, दीपांशी का सी, वेरी गुड। चलो भाई, ऐसी आंसर देते रहो, बढ़िया, सीखते रहो, सीखने का प्रयास जरूरी है। जहां सीखना छोड़ दिया वहीं दिक्कत हो जाएगी। आंसर क्या होगा इसका? नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। क्या इसका सही उत्तर होगा? नीरज चोपड़ा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। तो लुसाने डायमंड लीग में अभी जो है 89 पॉइंट, कितना भाई? 89.08 मीटर जो है इन्होंने जेवलिन थ्रो किया, और फिर इसके बाद लुसाने डायमंड लीग को इन्होंने जीत लिया। ऐसा करने वाले यह पहले भारतीय बने, ठीक है, यह पहले भारतीय बने हैं ऐसा करने वाले, इस बात को ध्यान रखना है। इससे पहले भी नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप
चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था और ऐसा करने वाले यह पहले भारतीय पुरुष रहे। ठीक है, पुरुष रहे, पहले भारतीय तो हो चुके हैं, पहले भारतीय वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप तो पहले भारतीय ने जीता है, किन्होंने जीता है, 2003 में किसने, अंजू बॉबी जॉर्ज ने ये 2003 में जीत लिया है, पहली भारतीय रही हैं। क्लियर है, लेकिन पहले भारतीय पुरुष ये रहे हैं, पहली महिला ये रही और पहली भारतीय ये रही हैं। इस बात को ध्यान रखना है, अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है, बिल्कुल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं एकता, प्रशांत, अच्छा एकता तुम्हारा सही है, चलो आपस में लड़ लो थोड़ा सा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, जल्दी से उत्तर दो, सिंजो आबे को, राजेश वर्मा को, जेलेस्की को या एंजेला मॉर्केल को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, उत्तर दें जरा सभी लोग। चलिए भाई, वेरी गुड, आंसर क्या होगा, एंजेला मॉर्केल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एंजेला मॉर्केल जो कि पूर्व जर्मन चांसलर हैं, ठीक है, जर्मनी की ये चांसलर रही हैं, पूर्व जर्मन की चांसलर रही हैं। इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया, शरणार्थियों के स्वागत के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। 2015 में सीरिया, ट्रिनिटी, ऐसे कई देश रहे जहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही थी, युद्ध चल रहा था, जहां से लोग मेडिटेरियन भूमध्य सागर को पार करके पड़ोसी देशों में जाने का प्रयास कर रहे थे। बहुत से देशों ने अपने देश की सीमाएं बंद कर दी, लेकिन उसके बाद जो है, उस समय जब वह जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मॉर्केल, तो उन्होंने उन सभी शरणार्थियों को अपने देश में जगह दी। इस वजह से इन्हें 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और 1989 से यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है, यह ध्यान रखना है। 1989 से प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो शांति के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए जो है कार्य करते हैं। क्लियर है बात यहां तक, इस बात को ध्यान रखना है। यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का जो गठन किया गया था वो 16 नवंबर
45 को किया गया, 16 नवंबर 1945 को किया गया, क्लियर है बात। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे चर्चा करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 193 है, और इसके अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है, आंड्रे ओजेले, ठीक है, आंड्रे ओजेले इसके जो है अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है, टोटल 40 है, जिसमें से एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन आता है, कौन सा आता है, एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का नगर एकमात्र कौन सा आता है, धौलावीरा आता है। इसके अतिरिक्त जो 39वां था वो कौन सा बना, रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न लेते हैं, अच्छा प्रश्न है आगे का भी, चलिए तेजी के साथ अब आगे की ओर बढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। मोदी जी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, आइजोल, कोहिमा, मोहाली, गंगटोक, जल्दी से उत्तर दें, अच्छा प्रश्न है, सभी लोग आंसर दें इसका, जिन जिनको पता है उत्तर तो जरूर ही दें, ठीक है। मोहाली, राधिका, बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा इसका, मोहाली, ठीक है, पंजाब में इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं अब इसी क्रम में। अगला प्रश्न, बैठकर झूला झूलती एक लड़की अचानक खड़ी होकर झूला झूलने लगे तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा, झूले का आवर्तकाल बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या हमें नहीं पता गुरुजी, बहुत अच्छे, बता दो आंसर, दे दो, सी, अपरिवर्तित रहेगा भाई, सभी ने झूला झूला है, नहीं झूला है, अरे झूला भी होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, घटेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तेजी से। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, यह घटना न्यूटन के गति संबंधित कौन सा नियम पर आधारित है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से उत्तर दे दो, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, और इस पर तो प्रैक्टिस एक दो बार हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब एग्जाम्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो दिक्कत करते हैं, बहुत अच्छे, द्वितीय और तृतीय नियम बताया जा रहा है ज्यादातर, चलिए शाबाश। बहुत अच्छे, सभी लोगों का गलत है, आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्रथम होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, प्रथम होगा, एक बार अवश्य इसे पढ़ना, जहां भी गलत पढ़ा है वहां पे सही कर लेना। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, विद्युत आवेश कैसी राशि है, प्रेरित, सदिश, अदिश या ज्ञात नहीं, पता नहीं, विद्युत आवेश कैसी राशि है, बिल्कुल प्रशांत तुम दोनों का ही सही है, बस अंजू ने भी आंसर दिया है, ये अंजू का भी सही है, चलो और कोई आंसर दो भाई इसका जल्दी से, नवीन का सी है, दीपांशी का भी सी है, चलो बहुत अच्छे, गुड़िया, सोनू चौहान, रुचिता, सतीश, प्रशांत, एकता, चलो ज़्यादा खुश मत हो भाई किसको, चलिए आंसर क्या होगा इसका, अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, एसिड होता है, फॉर्मेलिन, बेंजोइक, मेथेनोइक या एसिटिक, जल्दी से बताएं, 15 का सी, मेथेनोइक, चलो भाई बहुत अच्छे, और कोई उत्तर दे, डोरेमोन का बी है, सतीश का डी है, अंजू का बी है, बहुत अच्छे, शाबाश,
और कोई उत्तर देगा? नहीं, हम बताएं? चलो हम ही बता देते हैं। मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक अम्ल होता है मधुमक्खी के डंक में। चलो बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब काटती है तो, है ना। क्षारीय माध्यम में फिनाफेथिलीन का रंग कैसा हो जाता है? ऑरेंज, लाल, गुलाबी या नीला? जल्दी से उत्तर दो। आंसर दें सभी लोग भाई। एकता, दीपांशी, राधिका, चलो भाई बहुत अच्छे। आंसर क्या होगा इसका? गुलाबी होगा। कैसा हो जाता है क्षारीय माध्यम में फिनाफेथिलीन? कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तेजी के साथ। पटाऊ सिंड्रोम का संबंध किसके विकार से है? पटाऊ सिंड्रोम का संबंध किसके विकार से है? 23वें गुणसूत्र से, 46वें गुणसूत्र से, 22वें गुणसूत्र से या 13वें गुणसूत्र से? मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि उसके अनुवांशिकता के लिए आवश्यक होते हैं। तो कितने भाई? 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि भाई जो 46 गुणसूत्र है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र ऐसा है जो पटाऊ सिंड्रोम नामक एक रोग के लिए, एक बीमारी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा, उत्तर दे दें इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही होगा, 13वां गुणसूत्र, ठीक है। जो 13 या 13वां गुणसूत्र है वह इसके लिए जाना जाता है। और इसमें जो है 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, हर एक गुणसूत्र का दो प्रतियां होती हैं, लेकिन 13वें गुणसूत्र में 3 प्रतियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर में विकार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी कि शारीरिक रूप से विकास खत्म हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ध्यान रखना इस बात को। और यहाँ पे पटाऊ का मतलब पटाने से मत कर लेना कि भाई पटा लिया किसी को, है ना, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। पटाऊ एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? हैंसन रोग को, धनुष टंकार को, नाविक रोग को या अम्ल वर्षा को, यानी कि एसिड रेन को? उत्तर दे दें जरा। पटाकू नहीं, डोरेमोन, पटाऊ, पटाऊ। चलो अम्ल वर्षा, बहुत अच्छे, शाबाश। आंसर क्या होगा इसका? एसिड रेन, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये दोनों जो है जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और जब यह बादलों के साथ मिलते हैं तो H2O के साथ क्रिया करते हैं, जल के साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करके क्या बना देते हैं? H2SO4 बना देते हैं, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। और यही जो है वर्षा की जल की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरती है। और ताजमहल का पीला होना, किसका भैया? ताजमहल का पीला पड़ना ये क्या है? ये एसिड रेन की वजह से ही है, अम्ल वर्षा की वजह से ही है। तो इसीलिए इसे जो है कुष्ठ रोग कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जल की मात्रा का पीएच वैल्यू कितना हो जाता है? 5.6 हो जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना है सभी ने, ठीक है। पीएच वैल्यू मान कितना हो जाए? 5.6 हो जाता है। पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए भाई बहुत अच्छे, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? TLC, बायोप्सी, वाइडल या एलिसा? जल्दी से उत्तर दें। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? TLC, बायोप्सी, वाइडल या एलिसा?
आंसर होगा इसका भाई वाइडल या विडाल, ठीक है। ये टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। एचआईवी की जांच के लिए एलिसा जांच का प्रयोग किया जाता है, एचआईवी की जांच के लिए, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, तो यह जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, यह जीवाणु की वजह से होता है। और कौन से जीवाणु की वजह से टाइफाइड होता है, कोई बताएगा कौन से जीवाणु की वजह से होता है, यह साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी के कारण यह रोग होता है टाइफाइड, ठीक है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, मियादी बुखार भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, पैंथरा लियो, कैनिस फेलिमियर्स या फेलिस डोमेस्टिका, उत्तर दें जरा इसका, पता हो किसी को तो, नहीं पता, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, कैनिस फैमिलियर्स, ठीक है, कैनिस फैमिलियर्स। जिन जानवरों के दांत मुख्यतः नुकीले होते हैं उन्हें कैनिस कहा जाता है, ठीक है, फैमिलियर्स से यहाँ पर डॉग को डिनोट किया गया है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, 1951, 54, 52 या 53, कब की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सतीश का बी है, आकाश फोगाट का सी है, चलिए भाई और कोई, राधिका का ए है, बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा इसका, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि कार्यक्रम, संचार प्रणाली में सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना था, यानी कि कुल मिला के इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, ग्रामीण समाज का विकास, ठीक है, ग्रामीण समाज का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और यह पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, कौन सी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में इसे शुरू किया गया था। प्रारंभ में तो इसे कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन 1964 में इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। चलिए भाई बहुत अच्छे, क्लियर है, बहुत अच्छे, शेयर करते रहो भाई सभी लोग, एक बार बढ़िया से एक बार फिर से शेयर कर दो। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेप्चा जनजातियां समाज का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार या त्रिपुरा, यानी कि लेप्चा जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में निवास करते हैं, जल्दी से उत्तर दें। सतीश का बी सिक्किम, बहुत अच्छे, और कोई उत्तर दें भाई, और किसी का उत्तर आएगा, नवीन का सी, चलो भाई शाबाश, उत्तर देते रहे भाई सभी लोग, बहुत अच्छे, इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम, सिक्किम में निवास करती है लेप्चा जनजाति, ठीक है, लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। सिक्किम का कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल है,
ठीक है, मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई जल्दी से। कामरूप या प्राग ज्योतिषपुर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पुराना नाम है? कर्नाटक, दमनदीव, जम्मू कश्मीर, असम। बहुत ही आसान प्रश्न है, उत्तर दें भाई सभी लोग इसका, जल्दी से उत्तर दें। बहुत अच्छे, असम इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। असम का जो पुराना नाम है वो क्या है? कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर इसका पुराना नाम है। असम की अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित प्रमुख हैं। और काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है भाई? एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। कौन? काजीरंगा। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखना है। ठीक है, माजुली द्वीप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? देविका रानी, सोमा मंडल, सुब्बा रमन, विजय लक्ष्मी या कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की पहली ग्रैंड मास्टर कौन है? बिल्कुल, कामाख्या शक्तिपीठ भी है। उत्तर दें भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? सी, सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिशांक ऐप का संबंध किस राज्य से है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिशांक ऐप का संबंध किस राज्य से है? देखो भाई, ऐप से क्वेश्चन बड़े आराम से बनते आ रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे इसी तरीके से। बस सेशन के अंत तक बने रहो तो सीख लोगे बहुत कुछ, नहीं तो फिर कुछ हाथ में नहीं आने वाला, फिर दिक्कत ही होगी। आंसर क्या होगा इसका? कर्नाटक बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो भाई आगे की ओर बढ़ लेते हैं अब इसी क्रम में। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी कहाँ स्थापित की जा रही है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी कहाँ स्थापित की जा रही है? उत्तर दें भाई सभी लोग, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलो भाई बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं भाई जल्दी से। बाइसन या राजबारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात या कर्नाटक। बाइसन या राजबारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है जल्दी से कमेंट करके बताओ। त्रिपुरा, गोदावरी, शिकागो, टेसी थॉमस, जल्दी से उत्तर दो। बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा इसका? त्रिपुरा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। त्रिपुरा तीन और एक ऐसा राज्य है जो तीन और से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और इसके साथ साथ इस राज्य से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा, कावेरी, दामोदर, गोदावरी। जल्दी से उत्तर दो, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? डी, गोदावरी, बी, कावेरी। आंसर होगा इसका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गोदावरी कहां से निकलती है? तो गोदावरी जो है त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र के। ठीक है,
महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है और कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तेजी के साथ बढ़ रहे हैं भाई। अब मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है, मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है, शिकागो, कनाडा, वुहान या शंघाई? उत्तर दें भाई सभी लोग, शंघाई। चलो भाई बहुत अच्छे आंसर होगा इसका, शिकागो। शिकागो कहाँ है, यूएसए में है और यह मांस की सबसे बड़ी मंडी है, ठीक है, फ्लैश मंडी। आगे की ओर बढ़ते हैं, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? एपीजे अब्दुल कलाम को तो कहा नहीं जाएगा क्योंकि ये मिसाइल मैन है, ठीक है, मिसाइल मैन है, इस बात को ध्यान रखना है। कल्पना चावला, टेसी थॉमस या गीता गोपीनाथ, जल्दी से उत्तर दे। कल्पना चावला, चलो भाई मनीष का आंसर आया कल्पना चावला, और कोई उत्तर देगा? देते रहो उत्तर भाई तेजी के साथ, तभी तो सेशन आगे बढ़ेगा। आंसर क्या होगा इसका, टेसी थॉमस, ठीक है, टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है और मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, हेरौत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर या दमन दीव? जल्दी से उत्तर दें, हेरौत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, असम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, दमन दीव? एकता का सी, जम्मू कश्मीर। चलो और कोई, सतीश का डी, दमन दीव, जम्मू कश्मीर। चलो बहुत अच्छे आंसर क्या होगा इसका, जम्मू कश्मीर में हेरौत महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया। अगला प्रश्न, नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर करता है? तो भाई क्वेश्चन रिपीट है, 32, 226, 21 या 21A, कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय संबंधित संविधान के अनुच्छेद के आधार पर करता है? अभी कल या परसों वाले सेशन में ही ऐसा क्वेश्चन हमने लिया था, आप लोगों को याद होगा। बहुत अच्छे प्रशांत, आंसर क्या होगा इसका, 226। 32 में कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, 226 में हाई कोर्ट है और इसमें 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट जब इसे जारी करता है तो इसे फंडामेंटल राइट्स के मामले में जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के मामले में तो जारी कर ही सकता है, उसके अतिरिक्त अन्य मामलों में भी यह जारी कर सकता है, अदर मामलों में भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार की बात करता है, फंडामेंटल राइट में शिक्षा के अधिकार की बात करता है। तो शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करें तो यह है संविधान में बाद में जोड़ा गया, यानी कि संविधान में जब इसको जोड़ा गया तो 2002 में जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों में जोड़ा गया, किसे, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है भारत में, ठीक है, मूल अधिकार है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, 8वीं, 4थी, 5वीं, 6टी? उत्तर दें भाई जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई। ये है भी रिवीजन क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं यहां पर दोबारा से, पहले भी इसको करवा चुका हूं मैं, उत्तर सभी का आना ही चाहिए, जल्दी से उत्तर दें। सतीश काशी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चलो भाई बहुत अच्छे आंसर क्या होगा, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका बिल्कुल सही सटीक उत्तर होगा, 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की शुरुआत, आरआरबी बैंक जो होते हैं उनकी शुरुआत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, महंगाई कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक
करेंसी छपाई बढ़ाता है, रिवर्स रेपो रेट घटाता है, रेपो रेट घटाता है या फिर रेपो रेट बढ़ाता है। भाई महंगाई कम करना, महंगाई को कम करना है। अब महंगाई कम करना है मतलब मुद्रा स्फीति को कम करना है, ठीक है, मुद्रा स्फीति को कम करना है, इन्फ्लेशन रेट को जो है गिराना है, इन्फ्लेशन को गिराना है। जब इन्फ्लेशन को गिराना होगा तो आरबीआई क्या करेगा, इनमें करेंसी की छपाई को बढ़ा देगा, रिवर्स रेपो रेट को घटा देगा, या फिर रेपो रेट को घटाता है या फिर रेपो रेट को बढ़ा देगा। जल्दी से उत्तर दें, बहुत अच्छे, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, रेपो रेट को ये बढ़ा देगा, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ा देगा। मतलब रेपो रेट क्या दर होती है, रेपो दर क्या होता है भाई, तो रेपो दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई, जिस दर पर आरबीआई कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। बैंकों को कैसा, शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है। तो जब रेपो रेट की दर बढ़ जाएगी, यानी कि आरबीआई जो पहले 5% पर लोन देता था किसको, कॉमर्शियल बैंकों को, बढ़ा दिया इसने, तो मान लिया कि भाई 7% कर दिया, तो अब कॉमर्शियल बैंक जो हैं क्या करेंगे, आरबीआई से लोन लेना कम कर देंगे और अपने ग्राहकों जिनको लोन बाजार में बांटा था, पैसा बांटा था, वो अब वापस लेना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बाजार में धीरे धीरे पैसा कम होगा, बाजार में मुद्रा की तरलता कम होगी, और जब बाजार में तरलता कम होगी तो क्या होगा कि महंगाई जो है धीरे धीरे कम होगी। महंगाई क्यों कम होगी, जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो उनकी डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी किसी वस्तु की, तो क्या होगा, उस वस्तु के रेट धीरे धीरे गिरने कम हो जाएंगे ताकि लोग उस वस्तु को खरीद लें। तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई को लेकर बहुत बड़ा चेन क्रिएट हो जाता है। मुद्रा स्फीति क्या है, ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन क्लासेस में ही मिल पाएंगी अच्छे से। अगर सपोर्ट रहा तो भाई यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस जो है पूरी बेसिक चीजों की चल जाएगी, इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, और इकोनॉमी क्या, हर एक सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस सपोर्ट कर दो बढ़िया से, इस प्लेटफॉर्म को ऊंचाइयों तक ले जाओ, आपको हर एक विषय ऐसा मिलने लगेगा जैसे कहीं और मिलता ही नहीं हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रांतिकारियों की गीता या बाइबल कही जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, सचिंद्रनाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस या ज्योतिबा फूले। उत्तर दें भाई। बहुत अच्छे प्रशांत, धन्यवाद भाई। चलो बी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा, बी सचिंद्रनाथ सान्याल इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल ने HRA की भी स्थापना की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1924 में कानपुर में, कहाँ, कानपुर में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और इसी संगठन ने काकोरी रेल कार्रवाई को अंजाम दिया, काकोरी रेल कार्रवाई को अंजाम दिया था, ठीक है, काकोरी रेल कार्रवाई को अंजाम दिया था, इस बात को भी ध्यान रखना है सभी ने, क्लियर है। बाद में जब सभी लोग पकड़े जाते हैं तो यह HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से 1928 में इसकी स्थापना एक बार फिर से होती है, जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि लोग करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ लेते हैं इसी क्रम में, अच्छे हैं प्रश्न, मजेदार लग रहे हैं तो भाई शेयर कर दो एक बार और बढ़िया से। चलिए, एक वृक्ष पर जीव संख्या का पारिस्थितिकी पिरामिड यानी कि एल्टोनिया पिरामिड सदैव होता है, उल्टा, सीधा, सर्पिल या परवलयाकार, ठीक है, जल्दी से उत्तर दे दो। एक वृक्ष पर जीव संख्या का
किसकी बात हो रही है भाई, जीव संख्या की बात हो रही है। तो जीव संख्या का जो पिरामिड है वह कैसा होता है सदैव? एक वृक्ष पर उल्टा उल्टा होगा भाई। कैसा होगा? बिल्कुल सही जवाब, उल्टा होगा भाई। उल्टा कैसे होगा? अगर हम एक वृक्ष का पिरामिड बना लें, थोड़ा सा यही समझ लें, तो उल्टा कैसे होगा? एक वृक्ष आएगा पहले, ठीक है, तो एक जीव संख्या क्या हो गई? वृक्ष कैसा जीव है? एक ही तो जीव है। अब इन इस वृक्ष पर कई सारी चिड़ियाएं बैठी हुई है नहीं, तो चिड़ियाओं की संख्या जो है वहां पर उपस्थित चींटियों की संख्या से तो कम ही होगी। तो कई सारी चींटियां बैठी हैं, मकड़ियां बैठी हैं, है ना, चींटी है, मकड़ी है, या अन्य जो छोटे छोटे जीव हैं। क्लियर है? अब इनसे भी कम कौन से होंगे? और जो सूक्ष्म जीव हैं जो उस पेड़ पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से यह संख्या के आधार पर एक वृक्ष का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है भाई? उल्टा बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने भाई। वन रक्षक के एग्जाम में पिरामिड को लेकर प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है, पिरामिड को लेकर प्रश्न भी पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है। जल्दी से कमेंट करो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है। जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं बस, फिर उसके बाद चलते हैं अपने अपने घर, ठीक है, बस धैर्य के साथ बने रहो। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है? जल्दी से कमेंट करो भाई, जल्दी से कमेंट करो। पिंकी का उल्टा, प्रशांत, पूजा, मोहित ने सीधा बताया है। चलो भाई, और कोई? मनीष, अंजू, निकी, सीधा बनता है। अच्छा जी, आकाश फोगाट, सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा। डोरीमोन, चलो भाई। केशव कुमार का ए, सीधा बनता है। चलो भाई, बहुत अच्छे। हर्षिता अपराइट, बिल्कुल जी, सीधा बनता है। और कोई? बहुत अच्छे, आंसर क्या होगा? सीधा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा क्योंकि ऊर्जा का जो है स्वरूप बदलता है, उसका क्षय नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और ऊर्जा को आप रिसाइकल नहीं कर सकते, यानी कि एक बार आपने, जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो ऊर्जा खत्म हो रही है, ठीक है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए अब मुझे खाना खाना पड़ेगा, यानी कि एक बार फिर से ऊर्जा को ग्रहण करने के सोर्सेज लेने पड़ेंगे। वही नहीं कि जो मैंने ऊर्जा यहाँ पे निकाली है वही ऊर्जा मैं दोबारा से ग्रहण कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऊर्जा सदैव एक सीधी रेखा में चलने वाली क्रिया को पंथी है, और इस वजह से जो है उसका पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसी क्रम में। अगला प्रश्न है भाई, मेरा खाता भाग्य विधाता ध्येय वाक्य के साथ विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन योजना रही, परियोजना रही, इसका जो शुरुआत है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत, वो कब की गई? जल्दी से उत्तर दो भाई। 2 अक्टूबर 2014, 25 दिसंबर, 2 अक्टूबर 2015, 28 अगस्त 2014। चलो भाई, और कोई उत्तर दो जल्दी जल्दी। नहीं पता किसी को? नहीं पता। चलो भाई, ऐसे कैसे चलेगा, उत्तर सभी का आना चाहिए। डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया, जिसका ध्येय वाक्य क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वीन पाइनएप्पल का GI टैग किसे दिया गया? त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय? क्वीन पाइनएप्पल यानी कि अनानास जो होता है, ठीक है, उसका एक प्रकार है क्वीन, है ना, उसका GI टैग किस राज्य को दिया गया? GI टैग के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है किसी भी को। और भारत का पहला उत्पाद जिसे यह प्रदान किया गया था 2004 में, वो किसे प्रदान किया गया था? दार्जिलिंग टी को प्रदान किया गया था। किसे? दार्जिलिंग टी को प्रदान किया गया था। ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर दें सभी लोग। आंसर क्या होगा इसका?
आंसर होगा ए त्रिपुरा। शाबाश, वेरी गुड, आंसर होगा इसका ए त्रिपुरा, बिल्कुल सही उत्तर। चलो भाई आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। इसी के साथ ही क्विन भी था, हाँ देख लो भाई ऐसा है, द गोल्डन येलो त्रिपुरा क्विन पाइनएप्पल, जी आई टैग ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। कंबाला फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, केरल। गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, केरल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है। हर्षिता का डी केरल, चलिए भाई बहुत अच्छे। सतीश का सी है पंजाब, और कोई? अंजू का केरल, चलो शाबाश। पिंकी का बी है कर्नाटक, वेरी गुड वेरी गुड। आकाश फोगाट कर्नाटक, वेरी गुड। आंसर क्या होगा यहाँ पे? कर्नाटक, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कंबाला, देखो जैसे इस चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा, फील्ड भरा होता है पानी से और भैंस को दौड़ाया जाता है और उसके साथ एक व्यक्ति भी दौड़ रहा होता है। ठीक है, एक व्यक्ति भी दौड़ रहा होता है। ये कंबाला फेस्टिवल है, ये रेस होता है। जैसे एक होता है जली कट्टू, क्या होता है? जली कट्टू। ये किस राज्य का खेल है या फेस्टिवल है? ये है तमिलनाडु का। इसमें जो है गुस्सेल बैल को शांत किया जाता है, मतलब उसको पकड़ा जाता है, उस पर कंट्रोल किया जाता है। तो चलो भाई, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्लियर है? और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल यहाँ सेशन के अंत तक जो लोग बने रहे, जिन्होंने अभी तक अपना सपोर्ट दिया है भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट देते रहो और सेशन को, चैनल को बहुत दूर तक पहुँचाओ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को आप लोगों के, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ही आपको आगे बढ़ाएंगी, क्लियर है? जब आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बड़ी मेहनत के बाद मिलती हैं, इन पर एक रिसर्च होती है, क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाए जाते, उसके पीछे एक व्यक्ति टाइप करने को लगा होता है, एक का दिमाग लग रहा होता है, एक उसके डिटेल्स निकाल रहा होता है, तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को बनाया जाता है, चाहे वो हिंदी के हों या जीके के हों, जीएस के हों। गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखी जाती है, ताकि आपको अच्छे शुद्ध प्रश्न मिल सके, अच्छे उत्तर मिल सके, बिना किसी डाउट के मिल सके, और आप अपने एग्जाम में बिना किसी डाउट के उसका उत्तर लगा सके और सफलता को प्राप्त कर सके। तो भाई इसी विश्वास के साथ कल रात 9 बजे फिर से उपस्थित होऊंगा, 8 बजे हिंदी क्लास आपकी उपस्थित हो जाएगी। तो सभी सेशंस को अच्छे से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सपोर्ट गेन कीजिए हमारे लिए, ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और आगे और बढ़े, ताकि आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लासेस उपस्थित हम कर सकें। तो मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे, शाम 8 बजे और 9 बजे, दोनों टाइम पर, और फिर उसके बाद आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, ताकि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।